सो हेलो गाइस, नमस्कार, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप मस्त और स्वस्थ होंगे। सो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। और गाइस, अब मैं जस्ट अपने खेत में हूँ और खेत में हमारा हर ब्लॉग में दिखाता हूँ कि मेरे काम चल रहा है। और अभी का गाइस काम जा रही है। मम्मी को देखो, मम्मी खेत में लगी पड़ी है और जो मेरे पापा जी हैं वो तो बाजार गए हैं, जैसे डेली जाते हैं मेरे पापा जी बाजार गए हैं और मेरा भाई वो घर पर ही है। तो आपको चल के दिखा के आते हैं मैं मेरी मम्मी क्या कर रही हैं और मतलब कि लड़ाई फड़ाई कर रही है ना, वो सारी चीज़ दिखा के आते हैं। इधर की लड़ाई है ना वो वहाँ तो और सारी हो चुकी है, जो गोभी गाड़ी थी ना उसकी लड़ाई सारी चल रही है। तो अभी तब कुछ पास चल के दिखा के आते हैं, बस पहुँचने वाले हैं जैसे घर, मतलब कि मम्मी पास पहुँचने वाले हैं। बस बस आ गए, ये रहेंगे हमारे मम्मी जी, ये देखो बस इधर बैठे हुए हैं, ये गाइस मम्मी और ये हूँ मैं। और गाइस अभी ना हम जा रहे हैं, मम्मी तो पतला खेत में लगी हुई हैं। और गाइस अभी ना हम जा रहे हैं पानी लेने के लिए, मतलब पानी भरने के लिए। हम और हमारे पड़ोस में रहते हैं, वो सब लोग जा रहे हैं। पहले पूछने जाएंगे पानी, अगर उन्होंने कह दिया फिर लेने जाएंगे। पानी लेने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मैं ब्लॉग बताता हूँ कि हमारे यहाँ पर लाइट गाइस काफ़ी खराब हो गई है, तो ट्यूबवेल चल नहीं पा रहा है। तो इसी वजह से ना गाइस हमारे यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है, तो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, बाहर से कहीं से लाना पड़ता है पानी। तो अभी किसी से पूछने जा रहे हैं, अगर उन्होंने कह दिया हाँ ले लो पानी तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बिना बूझे सही नहीं होता ना। तो पहले बूझेंगे पानी ले जाएँ भर के यहाँ से, तो पहले लाइट भी वहाँ पर आते होगी तब ना, ठीक है? तो पहले बुझ के आएंगे फिर पानी लेने जाएंगे। देखो बस हमारा घर तो ये है और बस उनका ये उधर है, लाइट हमारे यहाँ पर नहीं आ रही ना, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत आ रहा है, मतलब कि लाइट नहीं आ रहा। हाँ लाइट बिल्कुल नहीं आ रहा है क्योंकि खराब हो गया। लाइट कहाँ से आएगा? एक बार आया था थोड़ा बहुत आया था, उससे ट्यूबवेल नहीं चल पाया था, मतलब कम होती ना डिम बोलते उसको, उतना लाइट आया था फिर ट्यूबवेल उसको नहीं चल पाया था। तो अब तो बिल्कुल नहीं आ रही, पता नहीं गाइस क्या रीज़न है, लेकिन जो भी है जल्दी ठीक हो जाएगा तब तक हमें पानी ना बाहर से लाना पड़ेगा। तो अभी बाहर लेने जा रहे हैं हम और एक पड़ोस में, और वो पूछने जा रहे हैं पानी की, ताकि उन्होंने मना ना कर पाए, और वो मना कर देंगे फिर गाइस अंत कहीं से देखेंगे। पहले मना पानी कोई नहीं करता, ठीक है? तो अभी पूछने जाएंगे हम और उन्हें कह दिए फिर लेके आएंगे। और गाइस अभी जाना पानी को पूछने के लिए, ये और हम और गाइस मेरा भाई भी जा रहा है और इनकी लड़की भी जा रही है साथ में, मेरा भाई भी जा रहा है। सोचते हैं पानी पूछ के आते, पानी अगर उन्होंने कह दिया तो गाइस मिल जाएगा पानी, वरना कोई बात नहीं। ये और मैं सब लोग साथ में जा रहे हैं, ठीक? अभी हम आ चुके हैं जहाँ पे आने वाले थे। ये गाइस गाइस घर है इनका और गेट खुलवा के फिर गाइस बूझना बाकी है, मतलब कि पानी की, ठीक है? अब वहाँ कर देंगे फिर ले आएंगे। और भाभी ने गेट खोल लिया हाथ डाल के और ये बूझ के आते हैं, ठीक है? ये गाइस घर है इनका, पूछना फिर पानी लेके आएंगे। बस गाइस पहुँच चुके हैं, ये इनका खेत है, इनका देख सकते गाइस यहाँ पे काफी सारे फूल भी हैं। ये पता नहीं गाइस किसका फूल है, काफ़ी सारे फूल भी हैं। और इधर इनका ट्यूबवेल है जहाँ से पानी मिलता है, ये गाइस पता नहीं गाइस ये भरने देंगे फिर नहीं, मतलब लाट आई आ रही होगी फिर भरने देंगी। अब भाभी को पूछने गई है उधर के लिए, तो गाइस आपको यहाँ दिखा देते हैं। ये देखो उधर ना माल लेके यहाँ के, मतलब ये रहते हैं ना वो उधर है, तो तब तक भाभी पूछने जाएंगी, तब तक हमें आपको यहाँ घुमा देते हैं। ये देखो बस यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ भी हैं, कटहल का पेड़ है ये, और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ भी हैं, जैसे गाइस यहाँ पे गुलाब का फूल भी है। ये देखो काफ़ी सारे बिखरे पड़े हैं यहाँ पे, ये गुलाब है बिखरे पड़े हैं यहाँ पे। चलते हैं गाइस अभी हम आगे। और गाइस अभी तो पानी के हाँ कर दिया उन्होंने, लाट चल रही है तो हाँ तो करेंगे, ठीक है? और गाइस अभी जाना पानी लेने के लिए, मतलब कि बाल्टी लेने के लिए, बाल्टी वगैरह बर्तन बर्तन जितने हरे बर्तन है वो लेके आएंगे, फिर पानी यहाँ से भर के वो सीधे घर लेके जाएंगे। और गाइस अभी सब लोग जा रहे हैं घर पे बर्तन लेने के लिए। और गाइस अभी हम घर पे तो आ चुके हैं और घर पे आने के बाद ना हमने सारे बर्तन खाली कर लिए जितने पानी वाले थे, मतलब कि उनमें थोड़ा पानी था वो उधर हमने निकाल दिया है ताकि इनसे मुँह धो लेंगे ना सुबह के लिए, तो उसे रख लिया। और इतने सारे बर्तन ये एक ही पीपा है और इतने बाल्टी है और छोटे छोटे डिब्बे भी हैं, इनमें सारे में लेके आएंगे पीने वाला पानी जो भी हम लेने जा रहे हैं वहाँ से लेके आएंगे। और इधर रखे हुए छोटे छोटे ड्रम, ये दुर्गा छोटे छोटे ना इन्हों में मुँह धोने के लिए बर्तन धोने के लिए रख लेती हैं। और एक इधर ड्रम है बड़ा वाला, एक ये वाला ड्रम, इनमें रख लेते हैं बर्तन धोने के लिए, हाथ पैर मुँह नहाने धोने के लिए रख लेते हैं। और इतना तो ये पानी के लिए, लाइट नहीं आएगा तो ऐसा गुजारा करना पड़ेगा हमको, लाइट आती रहती ना फिर कोई इतना टेंशन नहीं होता, लेकिन अभी लाइट खराब हो रही है, जल्दी सही हो जाएगी फिर कोई टेंशन नहीं रहेगा। ये तो कपड़े सही नहीं हो पाती है तब तक पानी लेने हमें इनसे जाना पड़ेगा, तो चलते हैं गाइस पानी लेने, ठीक है? और बस अभी हम बाउंड्री में आ चुके हैं, ये देखो ये बाउंड्री है इनका घर है। और अभी इतने सारे बर्तन लेके आ चुका हूँ, मेरे भाई पे भी है और ये भी आ चुके हैं, अभी भरते हैं पानी, ठीक है? पानी भरने के बाद मिलते हैं आपको। पानी तो भर लिया और पानी भरने के बाद घर भी आ चुके हैं, घर पे पानी सारा रख भी दिया है। और बस अभी ना वापस से मैं जा रहा हूँ
अपने घर से बाहर मतलब दुकान पे जा रहा हूँ दूध लेने के लिए, क्योंकि दूध ना वो खत्म हो चुका, सुबह चाय के लिए भी चाहिएगा, तो इसलिए दूध लेने जा रहा हूँ दुकान से। तो दुकान मिल जाएगा तो ले लेंगे, बाहर दुकान नहीं मिला तो बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि बाहर नहीं, मतलब यहाँ पे पड़ोस में कॉलोनी है छोटी सी, वहाँ पे मिल जाता दूध, वहाँ पे नहीं मिला तो दूसरे गांव में जाना पड़ेगा उधर के साथ। A few moments later. और गस अभी हम घर पे आ चुके हैं, डायरेक्ट दूध लेके, ये गस दूध लेने जा रहे थे ना, वो गस पास में मिल गई कॉलोनी थी, वहीं पे मिल गया था, दूसरे गांव में जाने जरूरत न पड़ी, वरना बहुत दूर जाना पड़ता है। गस अभी लेके आ चुके हैं हम दूध, और रखते हैं गस दूध को अंदर, फिर गस बात करेंगे आगे। और गस अभी ना हम यहाँ पे आए हुए हैं, मम्मी ये है, और अभी ना लकड़ी निकालनी है ताकि मतलब रोटी बनाने बनाएंगे ना तो उसमें काम आएंगे पजाने के लिए, तो उसमें मैंने लकड़ी निकाल ली थी सारी, और ये रखी हुई थी सारी यहाँ पे, और मम्मी उधर से और निकाल दी, और ये तो गीला हुआ, ये तो नहीं, इतनी सारी लकड़ी लगाई, हम घर पे लेके जाएंगे अभी यहाँ से निकाल के सही से। तो बस अब ना करते हैं ब्लॉग एंड, क्योंकि मेरे को लकड़ी भी नहीं ले जानी घर पे, तो करते हैं ब्लॉग एंड, ठीक है। तो अगर थोड़ा ब्लॉग पसंद आया थोड़ा बहुत भी ना तो बोलो लाइक करके, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन और पे प्रेस कर लेना, प्लीज़ गाइस इतना काम आ सकते, क्योंकि इतनी मैं ऐसे ब्लॉग बनाया, बस प्लीज कुछ तो मानो फायदा हो ब्लॉग बनाने का, प्लीज गाइस सब्सक्राइब आशा कर लेना, प्लीज गाइस हार्ड जॉब मैं कर रहा हूँ उतना काम ले लिया आशा कर लेना बच्चे के लिए, ठीक है। और अगर ब्लॉग थोड़ा कमी हो, ब्लॉग कुछ पसंद आ रहा हो वो बस कमेंट बताना, ठीक है, कमी हो तो वो बता देना, उसमें सुधारने की कोशिश करूँगा ब्लॉग को, ठीक है, बताना गाइस कमेंट में। तो करते हैं ब्लॉग में, फ्रेंड्स मिलेंगे आपको एक और इंटरेस्टिंग और न्यू ब्लॉग में, जय हिंद और जय भारत।